जो हमनी का उनका खातिर माया दया कर देनी, हमनी खातिर का कइले बारन। हमनी का है दहार में मरत नहीं, बाल बच्चा मरता, लड़का से मरता, माल बकरी मरता, हमनी के काथी प्राप्त कइले बारन। हमनी का कुछ सरकार की ओर से मदद नहीं थी, आ हमनी से सरकार का कोनो मदद नहीं थे, कुछ उनका नहीं थे बुझा। हिसाब से कोई साधन ही नहीं है, खाने पीने कोई चीज़ साधन कहाँ आता है, कोई प्रशासन ही कोई चीज़ नहीं है यहाँ। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो पानी कितने दिन से भर रहा है? पानी तो कम से कम हो गया 5-6 दिन। सारण जिला के तरैया और पानापुर प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से जूझ रहा है और नेपाल वाल्मीकि नगर बैराज एक बार फिर पानी छोड़े जाने के बाद समस्या और गंभीर होते जा रहा है। स्थिति ऐसा हो गया है कि खाने के लिए ना अन्न और ना पीने के लिए पानी है। बांध के निचले स्तर में रह रहे लोगों को पानी की समस्या सबसे अधिक है। माल मवेशियों से लेकर आम जनों तक बांध पर पलायन किए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन अभी तक शुद्धि लेने नहीं गया है। वहीं माधोपुर पंचायत के मुखिया संघ अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह बाढ़ से जूझ रहे लोगों को तत्कालीन नाव की व्यवस्था एवं पीने का पानी का इंतजाम कराएं। पलायन किए हुए लोगों का कहना है कि समस्या लगभग एक सप्ताह से चल रही है और लगातार पानी में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण लोगों के अंदर भय सता रहा है। आपको बता दें कि तरैया प्रखंड के भलुआ, चंचलिया, फरीदनपुर, अरदेवा, जिमदाह, शामपुर, रजवारा, माधोपुर, सगुनी, पानापुर प्रखंड के रामपुर रुद, भगवानपुर कोंद, सारंगपुर, मरवा बसैया अन्य गांव भी बाढ़ से प्रभावित है। लोगों के बीच प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों के बीच आक्रोश भी है। तरैया और पानापुर के दर्जनों गांव ऐसा है कि जहां पानी पीने का समस्या है। चप्पाकल भी बाढ़ के पानी में डूब गया है और पूरे गांव जल प्रलय हो गया है और पानी लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता के विषय लोगों के बीच बना हुआ है। भगवान भरोसे इस आपदा की घड़ी में लोग भरण पोषण और जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे चैनल न्यूज़ पर बिहार भी प्रशासन से आग्रह कर रहा है कि इस आपदा की घड़ी में बाढ़ से जूझ रहे लोगों को जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध कराएं। पल पल की खबर बाढ़ पीड़ितों का दिखाने का काम कर रही है, तो जुड़े रहें हमारे चैनल न्यूज़ फॉर बिहार के साथ। तरैया से न्यूज़ फॉर बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, छपरा। यहाँ तो आने जाने की सबसे अधिक परेशानी है, कोई नाव का व्यवस्था नहीं है। सबसे अधिक जिमदाहा गाँव जो प्रभावित है उसमें रोड नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए पूरे कमर भर पानी है और बहुत तेज़ धार है, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। एक डिलीवरी केस था तो उसके लिए अलग से नाव मंगाना पड़ा, बहुत दिक्कत हुआ उसको लेके जाने में हम लोग हॉस्पिटल में। लेकिन अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है देखने के लिए। कौन सा गाँव है? एक गाँव है अरदेवा और बगल में है जिमदाह। पानी कब से बढ़ रहा है? 5 दिनों से अभी बढ़ ही रहा है। हाँ, पानी बढ़ रहा है अभी, मतलब आज से पानी भी बढ़ना तेज हुआ है। परेशानी वजह दाह तनी सा, कुछ नहीं खे मिल रहा। कब से पानी बढ़ रहा है? 5-7 दिन से। 5-7 दिन से। सरकार की तरफ से कोनो व्यवस्था? कुछ ना। कौन गांव पर है? रजवारा, शामपुर रजवारा। का नाम परी रहो? केवल राम। परेशानी बा, जब माल जल बा, घर में पानी ढुकल बा, दोसर का है परेशानी बा? माल जल के आज 5 दिन हो गए। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था? कोनो व्यवस्था नहीं है। कौन वहाँ पर है? हमने के अरदेवा जिमदाहा घर पर ही दियर में रहल बथान बा, वहाँ से आके यहाँ बानी से शामपुर अथी ढला पर। क्या नाम पर? नाम हरि राय परी। परेशानी तो है कि सर बाढ़ आया हुआ है, अभी तक कोई सरकारी सुविधा व्यवस्था कुछ नहीं मिला है हम लोग को। कब से पानी बढ़ रहा है? पानी तो आज 5 रोज हो गया है। 5 रोज हो गया इस पानी को, मतलब आज फिर पानी बढ़ रहा है 12 बजे के बाद से। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? कौन सा गाँव है? ये जिमदाहा है। क्या नाम पड़ेगा? वीरेश राय। परेशानी है, दहार भर आयल बा, माल जल बढ़ान सा 5-7 दिन से तबाह हवा, माल जल के घास भूसा मिलते नहीं है खाई के। घर में पानी घुस गल बा? हाँ, घुस गल बा। कब से बढ़ा था पानी? पानी तो रुआ हो गल 5-5 दिन बढ़ा, पानी कम होते नहीं। कौन गाँव?
हमनी के मानी सर देवा जिंदा। क्या नाम पड़े? अनिल राय। परसेंट देखता है मानी का होता पानी कब से पड़ता है? पानी 25 तारीख से। सरकार की तरफ से व्यवस्था कोनो कुछ जो व्यवस्था नहीं किया है? कोई नहीं लेते ना। कौन गांव हो? रामपुर ते 61 है। कौन पंचायत? क्या नाम पड़े? नाम भरत पड़ी। क्या परेशानी करो लोग? परेशानी वैसे मुखिया जी जित नहीं बना, मुखिया जी भी नहीं कुछ पूछा था से पानी में क्या होता खाद वाला कि नहीं के खाद पानी में हिल के आदमी जावत रहा था कुछ साधन नहीं थे कोई के पूछे वाला कोई नहीं थे इरमपुर दल 61 कौन पंचायत? परेशानी बा पानी आयल बटे पानी से तो सब कुछ दह गल हो गए खत्म हो गल। घर में पानी कब मिल जी? ना हमारे घर में पानी नहीं। अभी परेशानी क्या होता वो लोग? परेशानी बैठे कि खेती बाड़ी दो अगर कोनो साधन नहीं थे बाहर हमने के कोनो दिक्कत नहीं थे हमने के बैंक को हर बैंक प्रशासन के तरफ से कोनो कोनो व्यवस्था नहीं थे। कौन गांव पड़े? रामपुर दल 61। क्या नाम पड़े? कौन पंचायत? नाम क्या पड़े? शेख मुलाजिम। हमने के घर में पानी डूब गल बा। कब से? 25 तारीख से। सरकार के तरफ से कोनो व्यवस्था? कुछ नहीं के हमने के व्यवस्था। कोई आके ना देख लेते हैं? मुखिया जी तो देखन जाके चंदन बोल कोई। क्या नाम पड़ी राउत? हां सुनीता देवी नाम। कौन गांव? रामपुर दल 61। होता का दिक्कत बड़ बोलो के? दिक्कत काथी के बस सब कुछ के दिक्कत बा रहे के सरल नहीं के बनाव सनाव खाए के सुसा टाइम पर आदमी के नहीं के मिलत जगह अच्छा ही कुछ अरौरा लौकत नहीं के नजर से रउआ तो सोझे देखो तने। कौन गांव? ये रामपुर दल 61 है। अरे पानी में खाए के दिक्कत होता खाए के बनावे के ओमे खाए के पानी बा रहे के सूते के बैठे के पानी में केंगो बैठल जा डूब जाए आंधी। कब से पानी बढ़ल बा? पानी 3-4 दिन से बढ़ते बा कौन ठीक बा के आंधी घरे डूब जाओ घर में पलर पलर होल बा हम पानी। कौन गांव पड़े? सगनी 61। क्या नाम पड़े राउत? हमार ससुरिया देवी।